हाय गाइस, वेलकम है, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। तो मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका नाम आप नीचे पढ़ सकते हो। तो उन्होंने मुझे एक लिप एंड चीक टिंट रिव्यू करने के लिए बोला था, जिसका नाम है रोजी कोजी लिप एंड चीक टिंट। और उन्होंने मुझे बताया था कि वो मीशो में मिलता है। सो आई ऑर्डर्ड इट बिकॉज आजकल मैं काफ़ी सारे लिप एंड चीक टिंट ट्राई कर रही हूँ और काफ़ी कलेक्शन हो गया, एंड आई लव यूजिंग देम, जिनका रिव्यू आगे आएगा। बट ये वाला रिक्वेस्टेड था, सो आई थॉट पहले बनाते हैं। सो आई गॉट दिस लिप एंड चीक टिंट फ्रॉम मीशो, एंड 10 दिन हो गए मुझे ट्राई करते हुए। सो आई थॉट इट्स अ गुड टाइम टू डू अ रिव्यू। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट है कैसा। तो कुछ ऐसे डब्बे में आया था, बहुत ही बेसिक सा डब्बा है। इट्स मोर लाइक घर में ही बना के वो भेज देते हैं। एंड अंदर अगर आप देखो, इसके अंदर दो हैं। सो बेसिकली गाइस, जब मैंने ऑर्डर किया था ना, तो मुझे लगा था एक ही आएगा, बट दो का सेट था। एंड मैंने तो नोटिस नहीं किया था एक भी मिलता है, बट मैंने दो ले लिए थे बाय मिस्टेक। एंड ये कुछ ऐसे ग्लास के बॉटल में आता है, ये रोल ऑन है, एंड ये है रेड कलर, एंड दूसरा आया है डार्क पिंक कलर। एंड एक इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट भी नहीं है, बट सिर्फ ये लिखा हुआ था कि शेक वेल बिफोर यूज़, ब्लेंड इट इमीजिएटली आफ्टर अप्लाइंग। एंड जैसे बाकी चीप वाटर के वाले चीप लिप एंड चीक टिंट्स में होता है कि आपको फटाफट अप्लाई करना होता है, नहीं तो वो कलर रह जाता है। मैं आपको एक अपना वीडियो भी थोड़ा सा अटैच करके इसमें दिखा दूंगी कि आफ्टर जब मैंने अप्लाई किया था तो कैसा मेरे फिंगर्स हो गए, तो आप देख सकते हो। तो आपको क्विकली ना हैंड्स को वॉश करना पड़ेगा, टिश्यू से क्लीन करना पड़ेगा, वेट टिश्यू से। सो अब बात कर लेते हैं दोनों चीक टिंट्स के बारे में। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, ये दो मैंने लिए, रोजी कोजी नाम है इनका, रोजी कोजी लिप एंड चीक टिंट। तो कोई ब्रांड नेम नहीं है सच एज इफ के घर पे बनाए, इंग्रेडिएंट लिस्ट भी नहीं है, तो मैं नहीं जानती इसमें क्या है। बट यस, मैं 10 दिन से यूज़ कर रही हूँ, एंड कोई इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। सो गाइस, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, एंड काफ़ी लाइट है, वाटरी है, तो इट्स वेरी वेरी लाइट ऑन द स्किन। लाइक मैं सुबह लगाती हूँ ये, एंड शाम तक आराम से रहता है गाइस। एंड मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, मैंने रात को लगाया एंड छोड़ दिया लगा के, एंड आई वॉन्टेड टू सी कि वो बेडशीट पे या पिलो पे ट्रांसफ़र होता है या नहीं, एंड रात को कितना लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि वेन वी लाई डाउन, हमारे चीक्स रब होते हैं बेड पे। टू माई सरप्राइज, सुबह भी इट वॉज इंटैक्ट, मतलब कोई चेंज नहीं था। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि लॉन्ग लास्टिंग है, एक बार आप लगा लो तो वो रहते ही रहता है, अनलेस यू वॉश इट ऑफ और यू वाइप इट ऑफ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड इट्स प्रीटी चीप गाइज। आई थिंक आई गॉट इट फॉर 215 और 230। मैं इसका प्राइस ऊपर लिख दूंगी, प्राइस इनके चेंज होते रहते हैं, सो आप देख सकते हो। बट 2 to 250 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा, एंड आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट गाइस। आपको दो मिल रहे हैं, अगर आप एक लोगे तो आई एम श्योर हाफ प्राइस में मिलेगा, तो वो वन समथिंग का होगा। अगेन दैट आई फील इज़ वेरी वेरी चीप। सो अब मैं आपको इनको एक एक करके लगा के दिखाती हूँ, एंड आप दोनों के कलर देख सकते हो। सो पहले हम रेड वाले कलर से स्टार्ट करेंगे। तो इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे लगा के, आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड रेड आ रहा है, एंड आपको क्विकली ये स्प्रेड कर देना है, नहीं तो ना आपके जगह जम जाएगा। आप इसको बिल्डअप भी कर सकते हो, एंड वैसे ही हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही रोजी सा, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है गाइस। अब मैंने लिप्स में अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, मैंने फेस पे भी कुछ नहीं लगाया हुआ था, तो जो भी कलर आ रहा है प्योर स्टेंट का ही आ रहा है। चीक्स में आपको थोड़ी देर इसको सेटल होने के लिए छोड़ देना, अगर आप कुछ खाओगे या मास्क लगाओगे तो ये बहुत देर नहीं रुकेगा। लिप्स पे लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट चीक्स पे काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। इसमें मैंने बताया सुबह से शाम या रात से सुबह तक ये रहेगा, चीक्स पे नहीं, लिप्स पे नहीं रहेगा। एंड इसको आप आईज पे भी लगा के दिखा सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको लगा के दिखा सकती हूँ। अब देखिए, इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, तो आईज पे लगाना आई फील माइट नॉट बी अ वेरी सेफ चॉइस। मैं नहीं लगाती हूँ, पर मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि इसका और यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। बट फेस के लिए इट इज़ प्रिटी सेफ। मैंने 10 दिन लगाया है, रोज़ लगाया है, और मेरी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन मुझे कुछ भी इशू नहीं दिखा। एंड आप इसको एज आई सेड बिल्ड अप कर सकते हो,
तो वो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। आप देख सकते हो बहुत ही रोजी सा फ्रेश लुक आता है फेस पे। आप कुछ ना भी करो, सिर्फ यू नो लिप्स पे लगा लो, चीक्स पे लगा लो, काजल लगा लो, तो भी आई थिंक आपका फेस काफ़ी ब्राइट लगेगा। एंड इट्स अ वेरी बजट फ्रेंडली ऑप्शन फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, या यू नो जो बजट में ही परचेज करना प्रेफर करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ पिंक वाला कैसा लगेगा, तो पहले क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन मैं करने वाली हूँ हिमालय के मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेशियल वाइप से। विंटर्स में मैं ये प्रेफर करती हूँ कैरी करना, बार बार फेस वॉश नहीं होता है दिन भर, या बाहर भी मैं जाती हूँ मिट्टी हो जाती है, तो आई प्रेफर कि मैं इनसे ही फेस क्लीन कर लूँ, काफ़ी अच्छा हो जाता है एंड इट्स मॉइस्चराइजिंग ऑल्सो। तो इससे अब हम क्लीन कर लेते हैं फटाफट, सो दैट आई कैन री अप्लाई द पिंक वाला एंड शो यू। अगर आप देख सको इसमें कलर दिख रहा है, तो बेसिकली ऐसे नहीं निकलेगा, आपको एक टिश्यू से या सोप से, सोप वाटर से ही निकालना पड़ेगा। एज यू कैन सी काफ़ी अच्छे से निकल रहा है इसमें। लिप से भी निकल गया है थोड़ा थोड़ा, अब कलर आ गया है लिप्स पे, तो अभी नहीं निकल रहा है, बट आई एम श्योर जब मैं खाने बैठूंगी तो निकल ही जाएगा। तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, बट स्टिल आई रियली लाइक इट फॉर द प्राइस। आई थिंक इट्स वर्किंग रियली वेल, एंड इफ यू री अप्लाई फ्यू टाइम्स, लाइक अभी मैंने दो कोटिंग दी, अगर आप री अप्लाई करो तो ये थोड़ा टाइम रह लेगा। ओके, सो अब हम ट्राई करने वाले हैं पिंक वाला। ये वाला है हमारा पिंक वाला कलर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो ट्राई करते हैं अब इसको। ये थोड़ा आपको डार्क लुक देगा जैसे आप देख सकते हो। आप थोड़ा सा नीचे ऐसे ना पुश करके ऐसे निकाल सकते हो, ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। जैसे मैं फटाफट रब कर रही हूँ ना गाइज, यू हैव टू लाइक डू इट फास्ट फास्ट। जैसे आप यहाँ देखो कितना ज़्यादा मतलब इसमें से निकलता है, अगर आप थोड़ा सा ना नीचे को ऐसे प्रेस करो। आई डू इट अगेन एंड आई शो यू यहाँ पे कैसा आ रहा है। अब काफ़ी सारा प्रोडक्ट निकल रहा है, तो ये लग गया है हमारे चीक्स पे। अब मैं इसको लगाने वाली हूँ लिप्स पे। आई लव दिस कलर देन द रेड वन। इसका काफ़ी अच्छा शेड मुझे लगा, काफ़ी ब्राइट लुक देता है ये वाला। तो रेड आप एवरीडे वेयर के लिए ले सकते हो, और ये वाला यू नो डार्क पिंक ओकेजनल वेयर के लिए ओकेजनल वेयर के लिए ले सकते हो। बट अगर आपको सेट मिल रहा है 200 समथिंग में, आई फील आप दोनों ले सकते हो। मेरा तो बाई चांस आ गया था, बड़ा मेरी हैप्पी के दोनों आ गए थे। दूसरी चीज़ मैं गाइस बताना चाहूँगी, जो इसका ये रोल ऑन है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो मेरे पास और भी लिप एंड चीक टिंट हैं बाकी ब्रांड्स के, जो 600-700 के हैं, बट वो अच्छा स्प्रेड नहीं होता है, दे आर स्लाइटली रफ एंड वो अच्छे से रोल भी नहीं होते हैं। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो बेसिकली इनकी जो पैकेजिंग है, ओवरऑल पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो इन्होंने यू नो क्वालिटी में कमी छोड़ी है, नई क्वालिटी बहुत अच्छी है। द ओनली थिंग इज गाइस, एज आई मेंशन बिफोर, इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है और डेट भी कोई नहीं है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे इन्होंने छोटा सा पेपर दिया था जिसमें लिखा था शेक पैल, तो उसमें भी ये लोग थोड़ा सा यू नो इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में लिख सकते थे, कुछ तो बता सकते थे, इसमें कुछ भी नहीं बताया। सो मेरी स्किन सेंसिटिव है तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। एंड दूसरी चीज़ गाइज जो मुझे इसकी अच्छी लगी वॉज दैट इट्स ट्रांसपेरेंट, सो आपको दिखता रहता है कि कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड लॉन्ग लास्टिंग है तो आप एक बार लगा के छोड़ सकते हो, री एप्लीकेशन की नीड नहीं होती है। लिप्स में आप रीअप्लाई कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे आप कुछ खाओगे तो आपको नीड होगी, एंड अदरवाइज इट्स वेरी गुड वन। क्लीन करने के लिए आप टिश्यू रखो कि ऐसे हाथ से क्लीन नहीं होगी, आप ऑयल लगा सकते हो एंड आई एम श्योर ऑयल से क्लीन हो जाएगा। मैं तो फेस वॉश ही कर लेती हूँ, टिश्यू यूज़ करती हूँ तो काम बन जाता है गाइज। एंड गाइज एज आई सेड इट्स वेरी वेरी बजट फ्रेंडली, तो अगर आप कुछ यू नो ट्राई करना चाह रहे हो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। तो गाइज मैंने मिशो का ऐप फिर चेक करा और उसमें मुझे इंग्रेडिएंट लिस्ट सारी मिल गई। सो बेसिकली इसमें ग्रेप सीड एसेंशियल ऑयल है और रोज़ फ्लावर एस्ट्रेट्स हैं। वो क्या क्या करते हैं सारा अच्छा उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आई ट्राई टू पुट इट इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे पता चली कि जिन्होंने मुझे रिव्यू करने के लिए बोला था, वो बेसिकली शी इज़ कनेक्टेड टू द ब्रांड, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ रियली गुड, सो आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। एंड आई स्टिल वुड हाईली रिकमेंड इट, एंड आप ये प्रोडक्ट ज़रूर चेकआउट करो गाइज, आपको अच्छा लगेगा। एंड इट्स मेड इन इंडिया ऑल्सो, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन। मुझे ये बहुत अच्छे लगे दोनों,
एंड आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज आफ्टर दे गेट ओवर, क्योंकि 10 डेज में अगर मेरी स्किन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो दैट मीन्स दे आर सूटिंग मी एंड आई वुड लव टू रीपर्चेज देम गाइज. ऑल्सो गाइज, इफ यू हैव एनी अदर प्रोडक्ट दैट यू वॉन्ट मी टू ट्राई, आई वुड लव टू ट्राई एंड टेल माई व्यूज. आई दैट्स इट फॉर नाउ गाइज. आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय फॉर नाउ.